जय हिंद दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब बच्चों में भी अच्छा हो। दोस्तों मैं आज एक वीडियो सुना तो सुन के मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि मेरी यूट्यूब से जितना भी जुड़े हुए हो, मेरे फैमिली है, फैमिली मेम्बर सबको सुना देता हूँ, जितना भी मेरे भाई बहन है सबको सुना देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने कमेंट किया, जिस जिस बारे में वीडियो बनाने के लिए बोला, मैं ज़रूर बनाऊंगा जब भी टाइम मिलेगा। और आप लोगों कमेंट का फटाफट से मैं रिप्लाई करता हूँ, जब भी मुझे देखने को मिल जाता है मैं फटाफट से रिप्लाई कर देता हूँ। और फिर भी आप लोगों ने जो जो वीडियो बनाने के लिए बोला, मैं वो वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। और आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी, और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारे प्यार मिल रहा है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के देते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसमें सांसें नहीं वही मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो भी तो मुर्दा है। देश कुछ इस तरह से भी बदलने लगा है कि लोग गाय को चराने में तो शर्म करते हैं और कुत्ते को घुमाने में फखर करते हैं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब किताबें सड़क के किनारे पर रखकर बिकने लगे और जूते कांच के शोरूम में, तो समझ लेना लोगों को ज्ञान और इल्म की नहीं जूतों की जरूरत है। बात समझ में आई?